चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां इस वक्त संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह मंच से संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के प्रस्ताव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे समर्थन के लिए पधारें। मैं राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी द्वारा पार्टी के संसदीय दल के नेतृत्व हेतु श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का जो प्रस्ताव किया गया है उसका समर्थन करता हूं। इसी प्रस्ताव के और समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध है। भाजपा के संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें सभी 303 निर्वाचित नव निर्वाचित सांसद भी मौजूद हैं। दल के नेता के रूप में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रस्तावित किया है, मैं उस नाम का अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं और मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव हुआ, समर्थन हुआ। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी हाथ उठाकर समर्थन करें। सबकी सहमति के पश्चात मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वे दल के नेता के निर्वाचन की विधिवत घोषणा करें। मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ यह घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा संसदीय दल का नेता घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के निर्वाचन के पश्चात अब एनडीए के नेता पद के लिए निर्वाचन की कार्यवाही आरंभ होगी। हम सब के चिरपरिचित भारतीय राजनीति के अत्यंत वरिष्ठ नेता माननीय प्रकाश सिंह बादल जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आए और एनडीए दल के नेता के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मोस्ट रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मेंबर पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर साहबान, आज का दिन एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उन्होंने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम
का मता पास कर दिया है। मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना साथी है उसकी तरफ से इस प्रस्ताव जो हुआ है उस पर जो पार्टी के की हिमायत है वो उसका समर्थन करता हूं, पूरी हिमायत देते हैं और मोदी जी को बधाई भी देते हैं। आदरणीय बादल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन के लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनुरोध करता हूं कि वे आए और समर्थन व्यक्त करें। मैं जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की ओर से सर्वसम्मति से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में चुनने हेतु समर्थन देता हूं। हमारा दल माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चयन हेतु प्रस्ताव का समर्थन करता है। धन्यवाद। नीतीश जी के पश्चात हमारे शिवसेना के नेता माननीय उद्धव ठाकरे जी को अनुरोध है कि वे आएं और समर्थन प्रस्तुत करें। मैं शिवसेना के संसदीय दल की ओर से सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में और हमारा दल श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चयन हेतु प्रस्ताव का समर्थन करता है। उद्धव जी के पश्चात माननीय श्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध है कि वे पधारें और समर्थन व्यक्त करें। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी ने नेता के रूप में चुनाव किया, सर्वसम्मति से चुनाव किया।